Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Today we are going to learn EVS hard words for grade 1. First of all, we revise English hard words. Then after we are going to learn new hard words. Okay, so let's start. Number 1. BUTTERFLY, butterfly. BUTTERFLY, butterfly. English meaning A COLOURFUL, colorful. COLOURFUL, colorful. INSECT, insect. INSECT, insect. A colorful insect. A colorful insect. Hindi meaning titli. Butterfly means titli. Number 2. SAD, sad. SAD, sad. English meaning UN, HAPPY, happy, unhappy. UNHAPPY, unhappy. Hindi meaning dukhi. Number 3, BRAVE, brave. BRAVE, brave. English meaning DARING, daring. DARING, daring. Hindi meaning Bahadur. Next, ALIGATORS, alligators. ALIGATORS, alligators. English meaning ALARGE, large. REPTILE, reptile. REPTILE, reptile. THAT, LIVES, leaves. LIVES, leaves. IN, RIVERS, rivers. A large reptile that lives in rivers. Reptile मतलब मैंने आपको सिखाया था कि जो animals होते हैं जो crawl करते हैं वो, उसको reptile कहते हैं. जैसे for example lizard, snake, crocodile, वो सब क्या है, उसे हम reptile कहते हैं. हिंदी meaning क्या होता है, मगरमच्छ की प्रजाति. वो मगरमच्छ नहीं है लेकिन मगरमच्छ जैसा वो दिखता है. लास्ट, WHALE, whale. WHALE, whale. इंग्लिश मीनिंग ALARGE, large. LARGE, large. FISH, fish. FISH, fish. A large fish. मतलब बड़ी मछली, विशालकाय मतलब बड़ी, विशालकाय मछली. तो ये थे हमारे कल के हार्ड वर्ड्स. आज हम सीखेंगे EVS के हार्ड वर्ड्स. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ से आप लिखो WAISTE, waste. वेस्ट यानी कमर. आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हो
कि यहाँ जो लड़का है वो अपनी कमर पे कुछ बांध रहा है, रस्सी जैसा या तो बेल्ट वो अपनी कमर में बांध रहा है, तो वेस्ट यानी कमर। नेक्स्ट KNEE, 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 नी यानी घुटना, हिंदी में क्या कहते हैं उसे, घुटना। जहाँ से हमारा पैर मूवमेंट होता है, जिससे हमारा पैर, हमारा लेग मूवमेंट होता है या तो बैंड होता है, उस बॉडी पार्ट को हम क्या कहते हैं, नी कहते हैं। क्या कहते हैं, नी कहते हैं। नेक्स्ट WRIST, रिस्ट, WRIST, रिस्ट, WRIST, रिस्ट, रिस्ट यानी कलाई, रिस्ट यानी कलाई। हमारे रिस्ट पे हम कुछ बांधते हैं ना, भगवान का धागा हो या राखी हो, वो सब कुछ बांधते हैं ना, या हम बैंगल्स पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं, तो उस बॉडी पार्ट को क्या कहते हैं, रिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिस्ट कहते हैं। कि द नैरो पार्ट एट एंड ऑफ योर आर्म, आपका जो हाथ होता है, आपकी जो फिंगर्स होती है, उसके ऊपर मतलब नीचे की तरफ जो नैरो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, रिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट LEG, लेग, LEG, लेग, LEG, लेग, लेग यानी पैर। वो क्या काम करता है हमारा, वो बॉडी पार्ट वॉकिंग का, चलने का काम करता है, तो लेग यानी पैर। नेक्स्ट FOOT, फुट, FOOT, फुट, FOOT, फुट, फुट यानी पाँव, फुट यानी पाँव, फुट का मतलब पैर भी होता है, फुट का मतलब पैर भी होता है, फुट का मतलब क्या होता है कि अ पर्सन, और फुट मीन्स द लोएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, फुट मीन्स द लोएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसके ऊपर हम खड़े रह सकते हैं, जिस वो ऐसा बॉडी पार्ट है कि उसके ऊपर हम खड़े रह सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फुट कहते हैं। क्या कहते हैं, फुट कहते हैं। तो FOOT, फुट मीन्स पाँव। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि देखो पानी जो है, वाटर का जो पार्ट है वो हमारा पाँव तक ही है, मतलब फुट तक ही है, और जिसके ऊपर हम ऐसे खड़े रह सकते हैं। नेक्स्ट तो आज के जो हार्ड वर्ड्स है 5 EVS के, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू, बाय एवरीवन, स्टे सेफ एंड स्टे होम।